जय हिंद दोस्तों, जय माकल। मैं आपका दोस्त बुलेट सिंह और स्वागत है आपका क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे तेलंगाना के एक भाई सोमू शेखर मौजूद है, जिनको थोड़ी शिकायत है डिप्रेशन की। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन रहती, लेकिन हमारे भाई के लाइफ में थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन रहे, तो उनके प्रॉब्लम्स नहीं बताते हुए सीधा सीधा डिप्रेशन के लिए क्या अभ्यास रहेंगे क्षत्रिय प्राणायाम का, ये आज आप उनको डायरेक्ट बताएंगे भी, और ये डायरेक्ट उनको सिखाएंगे भी, और आज आपको बताएंगे भी। क्षत्रिय प्राणायाम का अभ्यास डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर लेकर आता है, तो ये शुरू करते हैं इसका वीडियो। आइए सोमू शेखर जी। नमस्ते मैम। दोस्तों, कभी भी आप याद रखिए, क्षत्रिय प्राणायाम करिए, कुछ भी अभ्यास करिए, लंगोट पहनना बहुत ज़रूरी, उसके बाद बॉडी में हीट आना ज़रूरी, यानी वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उसके बाद डिप्रेशन के लिए सबसे बेहतरीन अभ्यास भस्त्रिका समतोला मुखी से, जैसे कि ये समझ में आया सोमू शेखर? हाँ, एक बार करके बताओ। नहीं नहीं नहीं, जब इसको आप ऐसा पीछे ले रहे तब तो श्वास खींचना। ओके। गट्टी का नॉन स्टॉप 1 मिनट करो। हाथ और श्वास का तालमेल बराबर रहना। थोड़ा और जोर से। दोस्तों, ये अभ्यास ऐसा है जो कि सीधा सीधा आपके दिमाग के ऊपर असर करेगा, यानी आपके दिमाग के जितने नसा रहती उसी के ऊपर असर करेगा ये। इसका रिजल्ट आपको कुछ ही सेकंड्स, यानी एक से डेढ़ मिनट में आपको इसका रिजल्ट दिखना चालू करेंगे। 1 मिनट के अभ्यास के बाद इनसे पूछेंगे इनको कैसा दिख रहा दिमाग में। जोर से कभी भी आप क्षत्रिय प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं, उसको हमेशा नहार पेट ही करना, यानी कुछ भी अभ्यास करने से पहले आप खाना नहीं, अभ्यास के बीच में खाना नहीं, अभ्यास ख़त्म होने के बाद खाना नहीं, जब तक आपके बॉडी शांत नहीं होती एकदम कूल होने के बाद। भाई को थोड़ा हाई बीपी की भी शिकायत थी, गुस्से की भी शिकायत थी, देखेंगे इसके बाद कैसा रहता है। गुरु के भाई कैसा दिख रहा दिमाग में? कल इसके ऊपर और नहीं, जुम 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 कर रहा। हाँ हाँ, दिमाग के नसा थोड़ा चक्कर जैसा हो रहा। हाँ, बॉडी के टॉक्सिन्स क्या बोल रहे हैं, फील क्या हो रहा आपको, आपके हिसाब से बताओ। थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा। हाँ, थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा, पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर जो है माइंड में बॉडी में थोड़ा नीचे जा रहा, अभी उतर रहा ना आराम से। हाँ, उतर रहे भैया। अच्छा फील हो रहा, रखो उसको, रखे उसको रखो। अच्छा अच्छा फील हो रहा भैया। मुदगर घुमाना आता आपको? नहीं नहीं भैया, आज तक नहीं घुमाए मुदगर। नहीं नहीं नहीं, आज तक नहीं गया, आज तक नहीं किया। अच्छा, वो पकड़ो, उठाओ। दोस्तों, फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ इनको, मैं भी नहीं घुमाऊंगा, इनको ही बताने लगूंगा। पैर पड़ो उसके, ऐसे पकड़ो, श्वास जोर से खींचना, मुंह बंद करके श्वास जोर से खींचना, जोर से और जोर से, श्वास जोर से, बस बस रखिए।
तो स्टार्टिंग बेसिक दो अभ्यास बताए आपको, इसके बाद दंड लगाना है आपको। जब नीचे जा रहे तब श्वास छोड़ना, जब ऊपर की ओर उठ रहे तब श्वास खींचना और आसमान को देखना, ठीक है। चेस्ट नीचे लेके जाओ दोस्त, इनका फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम इनसे जितना हो सक रहा उतना इन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हम कोशिश करेंगे कि इनको परफेक्ट बना सके। कंधे पूरे नीचे आना, उठ रिजल्ट देने को आएगा वो आएगा कपाल भाती बैठक। नॉर्मल कपाल भाती में जितना असर आता, अगर आप क्षेत्रीय प्रणायाम की कपाल भाती अपना रहे उससे आपको 50 से 100 गुना रिजल्ट जल्दी मिलेगा और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इनको मैं अभी बताया कैमरा ऑफ करके कि कैसा लगा था कपाल भाती बैठक, एक बार इनको आप एक बार करके बताओ। शोल्डर के लेवल में पैर, कमर सीधी, गर्दन सामने, जितना हो सके उतना जोर से बाहर फेंको श्वास, और जोर से। इनकी लाइफ का फर्स्ट टाइम है दोस्त सही है, अगर इनसे कुछ गलती हो रही तो इनको थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए ताकि ये और अच्छे से कर सके। रोको, अभी वो समतोल मुखी लीजिए। इसको अभी जो आप नॉर्मल बैठक मारे उसको ये समतोला मुखी लेके मानना। इसको मुदगर से भी कर सकते लेकिन समतोला मुखी से बता रहा हूँ मैं। समझ में आया, ट्राई करो एक बार। गर्दन एकदम सीधी, जोर से फेंको श्वास। चलो कम से कम 11 बार करो। 1, 2 जोर से सांस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्यारह रखो। बॉडी को एकदम रिलैक्स करो, आप शांत ऐसा बाजू की ठहरो। 2 मिनट शांत रहो दोस्तों। कपाल भाती बैठक ऐसी बैठक है जो आपके दिमाग के ऊपर सीधा सीधा असर करेंगे। कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में आज बैठक को इतना महत्व दिया जा रहा है कि जैसे अपने पास पहले कान पकड़ के बैठक लगाने लगाते थे स्कूलों में, जैसे कि आपके पिताजी आपके दादाजी के टाइम पे आप देखेंगे मुर्गा बनाना या उठक बैठक करने लगाना, मैं भी कर रहा हूँ। कई सारे मेरे जो एज के लोग हैं वो लोग अभी करें शायद उनके टाइम पे स्कूल में। इतना बेनिफिट है, सीधा सीधा आपके दिमाग के ऊपर असर करती है कपाल भाती बैठक। नॉर्मल बैठक की जहाँ पर आपको दिमाग में असर करती आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में बहुत सहायक रहती, तो कपाल भाती बैठक अगर आप कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को वेस्टर्न कंट्रीज में मिड ब्रेन एक्टिवेशन बोल के थर्ड आई के लिए इसके लिए उसके लिए बैठक मारने लगा रहे, कान पकड़ के वो लोगों को बैठक मारने लगा रहे, क्योंकि कान के अंदर भी थोड़े प्रेशर पॉइंट्स रहते जो कि थर्ड आई को रिलेटेड रहते, ब्रेन को रिलेटेड रहते। यानी हमारे जो पूर्वज थे वो बिना मतलब के ना कोई पनिशमेंट देते थे ना कुछ करते थे। तो बोलो भाई आओ इधर, अभी दिख रहा कैसा आपको? पूरा बॉडी हीट में है। हाँ, और पूरा चक्कर में हो रहा। हाँ, और पेन से मैं पूरा ब्लॉक हो गया हाथ पैर, मतलब आई मीन गट फीलिंग हो रहा है इधर, गट फीलिंग हो रहा। पर बॉडी पूरा हवा में उठ जा जैसा है, लाइट वेट हो गया, रिलैक्स दिख रहा, एनर्जी दिख रही, एनर्जी दिख रही थोड़ा एनर्जी। इससे पहले जो है सांस अंदर बाहर कर रहा हूँ और एनर्जी बढ़ाना है, और सही में मेन माइंड में बहुत अच्छा फील हो रहा, जो भी आई मीन टेंशन से पूरा निकल जा रहा। आराम से बोलो, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, आराम से बोलो। आई मीन टेंशन जो है वो पूरा उसके ऊपर नहीं, खाली बॉडी के ऊपर फोकस है। थोड़ा और शांत होंगे तुम तो तुम्हारा बीपी और कम होगा। हाँ। और तुम्हारे को
जो डिप्रेशन में है सबसे अच्छा एक्सरसाइज है हाँ। जो अपना और सब एक्सरसाइज में भी कौन सा एक्सरसाइज है, जो अपना दंड बैठक, जो मुदगर अभ्यास है, समतोल अभ्यास है। तुम्हारे पास अगर मुदगर नहीं है वो प्रोवाइड कराए तो तुम्हारे को टेंशन न खोलो हाँ। जब तक तुम्हारे को मुदगर नहीं मिलता तुम तुम्हारे घर के अंदर जो दंड और बैठक बताया कम से कम डेली वो करना। श्योर भाई हाँ ठीक है हाँ। अगर तुम्हारे पास ये दो छोटे छोटे लकड़ियाँ ले लो हाँ। दो छोटे छोटे लकड़ी लेके उससे भस्त्रिका करो हाँ। ठीक है डन पक्का कर रहे हैं आप हाँ कर मैं वादा करता हूँ कि कर। मेरे पास कैसा है क्या माध्यम से है यूट्यूब देख के आया हाँ यूट्यूब कितनी दूर सफ़र करके आए मैं इधर से कम 30 किलोमीटर रहता हूँ आ गया आप आ गया ठीक है। आने के बाद कुछ अच्छा दिख रहा बहुत अच्छा दिख रहा बहुत अच्छा दिख रहा अभी बॉडी पे कितना ध्यान देना अभी मालूम हो रहा बिल्कुल ध्यान देना हाँ 100% ध्यान देना सही बात है ठीक है हाँ लगातार अभ्यास करते रहो इसका हाँ। अपना अखाड़ा वो है देखो सामने गिर रहा ओके ओके वहाँ पे गिरने के बाद में मैं आपको बुला लेता हूँ जी शुक्रिया भैया ठीक है। तो दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी और आपका भी कोई मित्र डिप्रेशन में डिप्रेशन से पीड़ित है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों जय महाकाल जय श्री राम।